ये वाला बाइक एक्सीडेंट हुआ है, एक ग्लैमर तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ धर्मनगर। बहुत दिन पहले जो बाइक का जो आरसी था उसका ट्रांसफर के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो वो बन के रेडी है। तो आज मैं जा रहा हूँ धर्मनगर उसी के लिए। आज जाके देखते हैं कि आरसी तो बन के रेडी है, तो आज मिलता है कि नहीं, जाके देखते हैं। और अभी फिलहाल कुछ इस तरह के लोकेशन में है हम लोग, आप देख सकते हो। अभी फिलहाल बज रहा है 10:18 और सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, और वीडियो पे लाइक भी कर दो। अबे यार, ये टमटम वाले भी ना, रिएक्शन देखो लड़कियों का। उस दिन पहले हमारे एक दोस्त का R15 से एक्सीडेंट हुआ था। अभी फिलहाल वो, शुक्र करो कि अभी फिलहाल वो ठीक है। बाइक तो पूरा टोटल लॉस हो गया है, और बाइक कब तक ठीक होगी वो भी पता नहीं। अभी वो फिलहाल हॉस्पिटल में है, जब घर आएगा तब देखने जाएंगे, आप लोगों से भी मिलवाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बाइक का कुछ वीडियो में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाइक का क्या हुआ है हालत, आप लोग एक बार देख ही लो। पूरा टोटल लॉस हो गया बाइक। बारिश भी आ गया गाइस, क्या करें अभी बोलो, गिर रहा है बारिश। सामने कहीं पे दुकान देख के रुकना पड़ेगा। सर तो यहाँ पर हम लोगों को लाइसेंस के लिए रुका हुआ था, तो अभी लाइसेंस दिखा दिया, तो अभी वैसे जा रहे हैं। इन लोगों का शायद कुछ नहीं है, तो इन लोगों को अटक के रखा है। जाए तो मुझे तो छोड़ दिया लाइसेंस देख के, मेरा लाइसेंस था तो नंबर भी चेक, पीछे वाला नंबर था तो डॉक्यूमेंट चेक किया, उसके बाद छोड़ दिया। इस साइड बारिश होके गया है अभी शायद, रास्ते में पूरा कीचड़ ही कीचड़ है भाई साहब, इतना सारा कीचड़। ये सामने क्या हो गया भाई, इतना भीड़ का है। क्या हो गया यहाँ पर, कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया क्या? लगता तो ऐसे ही है। लगता है तो ऐसे ही है, बारिश वारिश के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। चलो देख के आते क्या हुआ है क्या नहीं। ये वाला बाइक एक्सीडेंट हुआ है, एक ग्लैमर
अरे साहब हो रहा बंदा सामने। बाइक पूरा ही खत्म दोनों साइड से। चलो चलते, हमारा भी लेट हो रहा है। बस अब ग्लैमर तो पूरा ही खत्म है, टोटल लॉस है ग्लैमर। ग्लैमर का दोनों साइड चित्रा फित्रा हो गया, और जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया उसका ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हेलमेट था इसके लिए बच गया, नहीं तो उसका अभी काम तमाम हो जाता मेरे दोस्त की तरह। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं धर्मनगर, और अभी चलते हैं, पहले चलते हैं आरटीओ ऑफिस पे, देन उसके बाद आएंगे शोरूम पे, क्योंकि शोरूम पे इंश्योरेंस का नाम जो है वो भी ट्रांसफ़र कराना है, तो उसके लिए शोरूम पे भी आना पड़ेगा। मैंने बाहर शॉप पे पूछा था तो शॉप वालों ने बताया कि ये जहाँ से आपने करवाया इंश्योरेंस वहीं पे जाके इसका नेम चेंज हो सकता है, तो मैंने बोला कि ये तो शोरूम वालों ने बना के दिया, तो बोला कि शोरूम जाके पूछो कि ये कहाँ पर चेंज होगा, तो उसी के लिए मैं शोरूम जाऊंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं आरटीओ ऑफिस पे। फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग आरटीओ पे, और अभी चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज आरटीओ पे, चलते हैं अंदर देन जाके देखते। डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ मैं पहले। फाइनली गाइस हमारा आरसी जो है वो मिल चुका है, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी चलते हैं सीधा शोरूम पे जाके इंश्योरेंस का पूछते हैं इंश्योरेंस का क्या सीन है। अभी आ चुके शोरूम, और चलते हैं अंदर एंड पूछ के आते हैं। और बहुत सारे नए नए बाइक आ चुका है अभी, तो हम लोग बिना लेट किए अंदर चलते हैं और पूछ के आते। सो गाइस शोरूम पे काम तो नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि ऑफिस पे चला जाओ, ऑफिस सामने है, तो जाके देखते हैं ऑफिस में। सो गाइस फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, और इंश्योरेंस का भी हो गया काम। 3-4 दिनों में मेरे पास कॉल आएगा हो जाने के बाद, देन उसके बाद आके ले जाने के लिए बोला मुझे, तो पैसा ज़्यादा नहीं लगा, 60 रुपीज़ लगा बस। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, और फेसबुक पे भी फॉलो करो, और हमारा ज़्यादा नहीं बस और 20 सब्सक्राइबर चाहिए, तब हमारा 1K का फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बहुत जल्दी हमारा 1K का फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगा। और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करो आप लोग। ये देखो रेस लग गया दोनों पे, वाह भाई। हरगढ़ के पास आ चुके हैं,
और अभी फिलहाल तो बारिश नहीं है, बारिश दे के चला गया है और धूप भी निकल चुका है। पता नहीं आगे बारिश होगा कि नहीं, लेट मी देखते हैं। और कुमारघाट में छोटा सा काम है तो वो निपटाएंगे, देन उसके बाद मुझे बहन के घर भी जाना है क्योंकि बहन को अपने घर लेके जाना है, तो उसके घर भी जाना है। तो देखते हैं कुमारघाट जाके, पहले कुमारघाट का काम निपटाते हैं देन उसके बाद जाऊंगा बहन के घर उसको लेने के लिए। वो शायद रेडियो के बैठी है। और ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कब बारिश होगा, आसमान भी इतना साफ नहीं है। तो ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं और एक मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।